हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत फिर से आपके लिए एक और नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो चैप्टर नंबर 2 से है। देखिए, इससे पहले जब हमने लास्ट वीडियो डाली थी तो हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी और उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की थी। लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कि हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो आज हम जीरोज फाइंड आउट करके बताएंगे। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि ये जितनी भी इसके पार्ट दे रखे हैं, जितने भी इसके पार्ट दे रखे हैं, ये इनमें हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे। इसमें हम 3 फॉर्मूला अच्छी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस में बीटा बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। यदि हम इसको और तरीके से भी लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं कोफिशियंट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोज का मीन है अल्फा प्लस बीटा का सम और वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी उससे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बताई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कैसे हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये एक बार दोबारा से हम आपको बताएंगे। देखिए, सम ऑफ जीरोज, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मीनिंग तो आप समझते होंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मीन्स हम इसको सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। और एक और तरीके से कई टीचर बता देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 3 तरह से फॉर्मूले में लिख के देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप जब मैंने आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताई थी तो इसमें ए बी और सी की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2x-8। देखिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है ए, यहाँ पे एक है, बी की वैल्यू कोफिशियंट ऑफ एक्स होती है और सी फोर सी की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो दे रखी है। तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी आपको
कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसमें ए बी और सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए ये जो मैंने आपको ये तीन फॉर्मूले बताए, ये तीनों फॉर्मूले जो है वो आपके ये दो फॉर्मूले तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगेंगे, और ये जो तीसरा फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले मिला के ये आपके क्वेश्चन नंबर टू में लगेंगे। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन नंबर वन के पार्टों की। वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे, और ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, या फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई, भाई इनको वेरीफाई भी करना है, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट, कि जो हमारे पास जीरोज आई है और कोफिशियंट है क्या वो एक्चुअल में कोई रिलेशनशिप रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है, कुछ स्टेप लेके सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है, देन हम वेरीफाई करेंगे। देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम वन लगा सकते हैं, और पहला स्टेप हमारा है कि पहले वाले की यानी कि फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है, तो हमारा आंसर आया एट। देखिए इनको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, देन आफ्टर सॉल्व करना है, तभी आपको कुछ समझ में आ सकता है, नहीं तो आप इन्हीं क्वेश्चनों में अटके रहोगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है, इजी से इजीएस्ट मेथड हमने लगाया है कि पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, और मैं बताना चाहूँगा कि ये हर पार्ट में लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक के लिए एक स्टेप है दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा स्टेप होगा, नहीं ऐसा नहीं है। पहले वाले के लिए और जितने भी हम सवाल कराएंगे क्वेश्चंस कराएंगे उन सभी में यही मेथड यूज होगा। देखिए फर्स्ट स्टेप है पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है, और जो भी आंसर आता है उसके करने हमने फैक्टर, लेकिन फैक्टर क्यों करने हैं, फैक्टर क्यों करने हैं ये बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमें ये बीच वाला लेके आना है। क्या लेके आना है, ये बीच वाला लेके आना है, क्या है ये बीच वाला, माइनस के टू एक्स लेके आना है, लेकिन सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। वन की टेबल में एट पे, टू की टेबल में टेबल से काउंट करेंगे भाई फोर पे, थ्री की टेबल में नहीं आता, फोर की टेबल में, तो आप यहां पे देखिए ये तीन आपके आए, लेकिन यहां पे और भी आ सकते हैं, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है जब कोई रिपीट हो जाए, ये वाला रिपीट हो रहा है तो इसको हम हटा देंगे भैया। तो हमें क्या पता चला कि इसके दो ही मेन फैक्टर है, और इन दो मेन फैक्टरों से हम पता करेंगे कि ये टू कैसे आएगा। तो अब हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये दो फैक्टर है, इन दो फैक्टरों में एक बार इन्हीं फैक्टरों को आपस में प्लस करना है और एक बार इन्हीं फैक्टरों को आपस में माइनस करना है। देखिए मैं इसको एक बार प्लस कर रहा हूँ तो 8 प्लस में 1 9 हो जाता है, और 8 में से 1 गए 7 हो जाता है, तो किसी भी हालत में हमारा 2 नहीं आया। अब हम सेकेंड की तरफ चलते हैं, 4 प्लस 2 6 हो जाता है, और 4 माइनस 2 2 हो जाता है। देखिए कैसे हुआ, 4 माइनस 2 इक्वल कितना हुआ भाई, 2 हुआ। देखिए हमें यह तो पता चल गया कि 2 आ चुका है। देखिए इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब आपको ये सवाल करने आ जाएंगे तो ये आपको काफी मददगार, काफी आसान सिद्ध होंगे। देखिए अब हमें यह तो पता चल गया कि 2 आ गया, लेकिन हमें 2 किसका चाहिए, माइनस का। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक घर में एक परिवार में इतने सदस्य है, ये इधर है ये इधर है, तो मैं इसके साइन को बदल रहा हूं, यानी कि मैं इसको पैसे दे रहा हूं तो इनको भी पैसे देने पड़ेंगे।
यानी कि इसको ये प्लस में था तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये माइनस में है तो किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ आपको यदि साइन लेकर आना है, एक्चुअल साइन लेके आना है, तो यदि सेम है यहां पे प्लस टू है, प्लस टू होता तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है तो मैंने इस प्लस को कर दिया माइनस। जब इसको किया तो इन दोनों को भी करना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। देखिए अब मैंने ये दो चीज यहां पे लिख देनी है, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस के 8। आप ध्यान दीजिए यहां पर हमने क्या किया, माइनस के 4x प्लस में 2x, ये आंसर होगा माइनस के 2x, इसलिए चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है भाई, सॉरी थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप तो ये था जो हमने किया, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो वो कैसे लेना है, देखिए जब भी हम इनमें कॉमन लेने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, जैसे अल्फाबेट एक्स यूज कर रहे हैं तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे। वो क्यों ले रहे हैं, यहां पे देखिए यहां पे कितने एक्स है, 2x है, और यहां पे केवल एक एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास एक्स है। अब यहां पे ओनली 1 था भैया, और यहां पे कितना था, 4 था, समझ में आ गया, यहां पे कितना था, 1 हो गया, कितना था भाई 1, और यहां पे कितना है, 4 है, दोनों ही देखने की किसकी टेबल में आएंगे, 1 एंड 4 किसकी टेबल में आएंगे, तो हमें क्या करना है, 1 और 4 देखना है, तो 1 की ही टेबल में आएंगे, तो इस 1 की जरूरत नहीं है लिखने की, हमें पता चल गया कि यहां पे तो 1 ही कॉमन आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कितने एक्स है, 2x है, हम खोल के लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इस x से, क्योंकि हमने इसको बाहर निकाल दिया, बचा क्या, इसकी जगह पे x बचा, इसमें से x निकाल दिया तो x बचा, और इसमें से x निकाल लेंगे भैया तो यहां पे 4 बचेगा। अब ये वाला इधर लिखना पड़ेगा, सेम एज इट इज लिखना भाई, इन क्वेश्चनों में हम जब थर्ड स्टेप को करेंगे, कॉमन लेने वाले स्टेप को करेंगे, तो यहां पे जो स्टेटमेंट आएगी वही स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखनी है, और यहां इन दोनों का कॉमन कैसे लिख लेंगे, सिंपल सा आंसर हमारे पास पहले से ही है, तो इसका पहला यहां पे प्लस निशान है, तो 2x डिवाइडेड बाय x, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर आया हमारा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों सेम है तो कोई एक लिख लो भाई, और इन दोनों में ये बाहर है ये बाहर है, इन दोनों को भी एक ब्रैकेट के अंदर रख लो। अब दोनों क्या निकालने थे, जीरोज निकालने थे, तो जीरो के इक्वल रखने पड़ेंगे, ये इधर माइनस का है तो सबसे पहले इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेंगे और इसको हम बीटा कंसीडर करके चलेंगे, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू हो गई भाई और ये आपकी बीटा की वैल्यू हो गई। अब हम चलते हैं वेरीफाई करने की तरफ, कि वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करना है, देखिए यहां पे थोड़ी सी और जगह कम है तो हम क्या करेंगे, यहां पे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे लिखना है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल क्या है, माइनस बी बाय में ए। अब देखिए यहां पे ए की वैल्यू कितनी होगी, एक होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू होगी, और सी की वैल्यू भी कितनी होगी, माइनस के 8 होगी। तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है 4 है, प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस 2 है,
माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के दो है, और ए की वैल्यू कितनी है, एक है। तो फोर माइनस टू इक्वल माइनस माइनस प्लस के टू, और टू इक्वल यहां पे टू हो गया। अब यहां पे देखिए भाई, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, ये होगा सी बाय ए। अब ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई माइनस के 2 इक्वल में सी की वैल्यू आप देख रहे हो माइनस के 8 है, और ए की वैल्यू 1, 4 टू जा 8 वो भी माइनस का, और यहाँ पे भी ये माइनस का। तो आपने देखा कि दोनों वैल्यू जो है वेरीफाई करने पर सेम आ रही है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है, जो हमने इतना ज़्यादा सॉल्व किया है वो हमारा आंसर जो है ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, और इसकी भी वेरिफिकेशन बाद में करनी है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास दे रखा है, और फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, और आंसर हमारा आ गया 4 बाई। अब ये 4 के करने टुकड़े, एक की टेबल में 4 4 पे, 2 की टेबल में 2 पे, 3 की में नहीं आता, 4 की टेबल में 1 पे। अब आप यहां देखिए, ये और ये सेम है, तो मैं इसको क्या कर दूं, हटा दूं भाई, हटा दिया मैंने। अब ये दो मेथड है, ये दो आपके पास फैक्टर है जिससे हमें ये माइनस का 4 लेके आना है। देखिए 4 1 5, और 4 में से 1 गए 3, किसी भी हालत में नहीं आता। 2 प्लस 2 इक्वल कितना हो गया 4, 4 तो आ चुका है लेकिन साइन यहां पे माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का, तो ये भी पलटने पड़ेंगे क्योंकि इसको हमने पलटा है, प्लस से माइनस किया है, तो ये भी प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1। तो यहां पे देखिए भाई, हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब थर्ड स्टेप करेंगे तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट लिखेंगे और फिर नंबर देखेंगे। ये नंबर कितना है, 4 है, ये 2 है, तो दोनों देखो किसकी टेबल में आए, 2 की टेबल में आए, तो 2 इज ऑल्सो कॉमन, 2 को भी हमने कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 और s 2 बार है, तो हम 2s से डिवाइड करेंगे, s से s कैंसिल, 2 से 2, तो यहाँ पे आ गया 2s। माइनस के 2s को 2s से डिवाइड करेंगे, ये 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1, और मैंने बताया था जो यहाँ पे आया है वही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है। अब ये 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है हमने उन दोनों में से एक लिखा, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमने एक लिखा, और दोनों किसके बराबर रखने पड़ेंगे भाई, 0 के बराबर रखने पड़ेंगे। देखिए पहले हम देखिए, इसका बॉन्ड मजबूत होता है, माइनस प्लस का बॉन्ड कमजोर होता है, तो हम माइनस प्लस को पहले लेके आएंगे, तो माइनस है तो प्लस का हो गया, और s इक्वल ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया। और इसी तरह 2s माइनस 1 इक्वल 0, और 2s इक्वल माइनस का 1 है तो प्लस का 1, और s इक्वल 1 बाय 2। तो आपने ये ध्यान देना है कि भाई s की वैल्यू जो है वो 1 बाय 2 कैसे आई, कैसे हमने सॉल्व करना है, ये सभी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब हम इसको भी वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए यहां पे हम इसी की हेल्प से वेरीफाई कर देंगे भाई, वेरीफाई करेंगे। ए बी सी की भी वैल्यू हमने लिखनी है अभी, और अल्फा बीटा भी कंसीडर करना है। देखिए ये हमारा क्या हो गया अल्फा, और ये हमारा क्या हो गया बीटा, और आप ध्यान दीजिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की। देखिए ए इक्वल यहां पे कितना है, 4 है, बी इक्वल यहां पे माइनस के 4 है, और सी इक्वल यहां पे 1 है। तो अब हमें क्या करना है, ए सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए। देखिए अल्फा 1 बाय 2
प्लस में 1 बाई टू है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। देखिए नीचे वाला इन दोनों का सेम, तो एलसीएम सेम, और नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम। कैसे, मैंने बता रखा है कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1, 1 से 1 हो जाएगा, 2 की डिवाइड 2 से 1 आया, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, ये 4 प्लस 4, यहाँ पे देखिए 2 बाय 2, 4 बाय 4, देखिए 2 बन जा 2 और 4 बन जा 4, तो ये 1 और 1 इक्वल आ गया भैया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 करेंगे, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो 1 बाय 4 इक्वल 1 बाय 4। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि जब हमने इसको वेरीफाई किया, तो वेरीफाई करने पे हमारे जो आंसर है वो हमारे क्या आए, इक्वल आए। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की और पार्ट नंबर 4 की। देखिए धीरे से ये वीडियो हम चला रहे हैं, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको ध्यान से देखनी है, और आपको यदि अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में इनको शेयर करते रहना है। देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक्चुअल में प्रॉब्लम सी आ गई, ये जो -7x है वो आगे होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, 6x² -7x और -k3, ये हमारा एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक लीनियर वे में हो गया, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं या कोई भी हम इस तरह का कोई स्टेटमेंट देखते हैं, तो हमें उसको लीनियर फॉर्म में लिखना होता है सबसे पहले, तो मैंने इसको लीनियर फॉर्म में लिखा, और वही स्टेप है, स्टेप नंबर 1 की पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, इसका आंसर जो है वो 18 आया। और आप ध्यान से देखिए जो 18 है इसकी यदि हम बात करें, तो इसके फैक्टर 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल और 5 की टेबल में 18 नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। तो आपने ध्यान दिया होगा ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, ठीक है भाई। हमारे पास 3 ये स्टेटमेंट दे रखी है, और इनसे हमें पता करना है कि -7 कौन सी से आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने तो माइंड में कर भी लिया होगा कि क्या आएगा, तो 18 + 1 19 और 18 में से 1 गई 17, तो ये तो क्रॉस है भाई, इससे तो 7 आया ही नहीं। 9 + 2 11 और 9 - 2 7, देखिए भाई इससे आ चुका है 7, इससे क्या है हमारा 7 आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं, तो -9 - 2 इक्वल कितना आ गया आपका, 7 आ गया। और आपने ध्यान देना है कि 7 यहाँ पे माइनस का है, तो हम इसको पलट देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 सॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब वही कॉमन लेने वाली समस्या है, तो कॉमन कैसे लेना है भाई, कॉमन मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले तो आपने अल्फाबेट ही लिखना है, जिस भी अल्फाबेट की हम क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर बात कर रहे हैं। देखिए अब ये 6 है और ये 9 है, ये 6 है और ये 9 है, तो आपने देखना है 6 और 9 किसकी टेबल में आ रहा है, तो मैंने देखा 3 की टेबल में, तो 3 इज ऑल्सो कॉमन। देखिए 6x यानी कि 6x की पावर 2 और 3x है, यहां पे इन दोनों ब्रैकेट के अंदर आंसर लिखना, x से x कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, तो यहां पे देखिए 2 और x माइनस 9x है, 3x से डिवाइड, x से x खत्म, 3 से 3, तो ये हो गया 3। अब हमने क्या करना है, दूसरी बॉक्स के अंदर भी यही लिखना है, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2x से 2x को कैंसिल करके देखना है कितना आया भैया, 1 आया। तो हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है, नेक्स्ट स्टेप ये है, जो ब्रैकेट के अंदर है उनमें से कोई एक लिख देंगे,
और ये मिला के 3x+1 हमने ये लिखा, और दोनों को कितने के बराबर रखेंगे, जीरोज के बराबर रखेंगे। 2x = का है तो प्लस का, और x बराबर 3/2, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। 3x+1 = 0 तो 3x = -1 और x = -1/3। देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3/2 और जो बीटा की वैल्यू है वो -1/3, और ए बी सी की भी वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू जो है 6 है, बी की वैल्यू -7 है, और सी की वैल्यू जो है -3 है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरीफाई भी हमें करना है, वेरीफाई में हमें रिजल्टेंट बताना है कि क्या रहेगा। तो सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा -b/a। देखिए सम ऑफ जीरोज 3/2 अल्फा की वैल्यू है, प्लस में -1/3 बीटा की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू आप देख रहे हैं -7 है, और ए की वैल्यू आपने देखी होगी 6 है। तो हम क्या करेंगे, 3/2 -1/3 = 7/6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इन दोनों का एलसीएम लिया 6, 2 से इसको डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9, -3 से 2, 2 2 1 जा 2, 7/6, और आपने देखा 7/6 = 7/6 आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, क्योंकि हमें दोनों ही प्रूफ करके दिखाने हैं, सम ऑफ जीरोज भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ देखिए 3/2 - -1/3, सी की वैल्यू आप देख रहे होंगे -3 है, और ए की वैल्यू आप देख रहे होंगे 6 है। तो ये आ गया आपका 1 - 3, 2 3 = 6 = -3/6। काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये आंसर जो है सेम आया। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 आप देख रहे होंगे 4u² + 8u दे रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, जो ये फोर्थ पार्ट है इसमें आप देख रहे होंगे एक जो लास्ट वाला है, मेरे हिसाब से ये दो ही दे रखे है या ये दो दे रखे है। आपने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ये दो मान के चलो, इसे ये दो मान के चलो। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे जो है कुछ भी नहीं दे रखा, क्योंकि प्लस में जीरो लगाएंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, प्लस में जीरो हो जाएगी। तो ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ए की वैल्यू आपकी 4 है, बी की वैल्यू आपकी 8 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो जब 4 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के तो कोई फैक्टर होते ही नहीं, तो इसलिए आपने इन दोनों को ही कॉमन लेना है। मैंने बताया जो भी अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले उसको लिखेंगे, यहाँ पे हम यू यूज कर रहे हैं तो यू यहाँ पे कॉमन हो गया। फिर हम देखेंगे नंबर सिस्टम को, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि 2 और 4 की टेबल में आते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, हाईएस्ट आपने कॉमन लेना है, तो 4 यहाँ पे हाईएस्ट है तो 4 हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए 4u/4u, तो 4u से 4u ओनली बचा u, प्लस 8u/4u, u से u कैंसिल हो गया, 4 से 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब आप देखिए 4u = 0, तो u = 0/4, तो u की वैल्यू आपकी आ गई 0, u की वैल्यू आपकी आ गई 0, और u+2 = 0, तो u की वैल्यू यहां पे आ गई -2। तो अल्फा हमारा है 0 और बीटा हमारा है -2। अब हम यहां पे इनको सोल्व करेंगे भाई, वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला हम पहले ही लगा चुके हैं। देखिए
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए अल्फा की वैल्यू जीरो है, प्लस में माइनस के टू है, और माइनस बी की वैल्यू एट है और ए की वैल्यू चार है, तो यहाँ पे माइनस के टू आ जाएगा और यहाँ माइनस एट बाई फोर, तो कैंसिल होके माइनस टू, तो माइनस टू इक्वल माइनस के टू। अल्फा की वैल्यू जीरो मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस के टू इक्वल सी की वैल्यू जीरो और ए की वैल्यू फोर, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो आपने देखा पार्ट नंबर फोर में भी जब हमने वेरीफाई किया तो आंसर्स जो है वो सेम आए। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ की। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू तो दे रखी है एक, बी की वैल्यू दे ही नहीं रखी, सी की वैल्यू यहाँ पे है माइनस के 15। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल रख लेंगे हम जीरो के, तो टी स्क्वायर ये 15 इधर आ गया प्लस का हो गया, और स्क्वायर हटाएंगे हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, और स्क्वायर रूट का मीनिंग आप समझते हो कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, क्या होता है एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो टी की वैल्यू यहां पे एक प्लस की है, और दूसरे टी की वैल्यू यहां पे माइनस के 15 है, तो हम यहां पे लिखेंगे अल्फा की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव 15 है और बीटा की वैल्यू यहां पे नेगेटिव वर्गमूल 15 है। अब हम इनको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि वेरीफाई करके देखेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए, अल्फा की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट 15 प्लस में माइनस स्क्वायर रूट 15 माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो दिखाई दे रही होगी और ए की वैल्यू आपको 1, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल जीरो, तो यहाँ पे आप देखिए ये भी जीरो और ये भी जीरो। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी बाय ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्लस वर्गमूल 15 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस के 15 है, ए की 1 है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस के 15 इक्वल माइनस के 15 आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे भी आप जो है सेम आंसर्स ला रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर सिक्स की, जो कि आपका सिंपलेस्ट सा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात है जहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं है वहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे 3 4 12 होता है, 3 4 12 की बात करें, 12 के हमने करने फैक्टर क्योंकि हमें 1 लाना है, तो 1 की टेबल में 12 पे, इसके बाद 2 की टेबल में हम बात करेंगे 6 पे, 3 की टेबल में बात करेंगे 4 पे, और 4 की टेबल में बात करेंगे 3 पे, तो ये वाला सेम है, तो हम इसकी इसको हम इरेज कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि प्लस और माइनस करने पर, प्लस और माइनस करने पर ये 1 कैसे आया, तो 4 माइनस 3 1 आ जाता है। देखिए 12 1 13, 12 में से 1 गए 11, ये नहीं है, 6 प्लस 2 8, और 6 में से 2 गए 4, ये भी नहीं है, लेकिन 4 माइनस 3 इक्वल 1 होता है, लेकिन ये 1 माइनस का है तो हम इनको पलट देंगे। अब हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप के आंसर्स को लिखेंगे 4x प्लस में 3x माइनस के 4। अब आप ध्यान दीजिए हमने लेना है कॉमन, मैंने आपको बताया था अल्फाबेट हम यू के यू ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एक 3 है और एक 4 है, ये 3 है ये 4 है,
तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो 3x x को x से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ गया 3x माइनस 4x x से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ गया 4, और दूसरे बॉक्स में भी यहाँ पे हमने यही लिखना है, लेकिन 3x से 3x को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर होगा 1। तो 3x माइनस 4 और x प्लस में 1, 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x ये माइनस का है तो आप देखिए यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का तो डिवाइड में हो जाएगा। इसके बाद सेकंड को भी हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ए की वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे 3 है, बी की वैल्यू माइनस के 1 है, और सी की वैल्यू माइनस के 4 है। अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस के 1। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने अल्फा की वैल्यू बॉक्सीज नहीं की थी, अब देखिए वेरीफाई करना आपको, यहाँ पे हम इसको वेरीफाई इससे कर रहे हैं वेरीफाई। देखिए भाई अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस में माइनस के 1, और माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे माइनस के 1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 3। अब इसके नीचे 1 लगा लेंगे, 4/3 माइनस 1/1 3 एलसीएम है, तो यहाँ पे देखिए 4-3 और यहाँ 1/3 तो 1/3 तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल 1/3, ये सेम है। यहाँ पे देखिए 4/3 मल्टीप्लाई माइनस 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 4 और ए की वैल्यू यहाँ पे 3, तो ये माइनस के 4/3 इक्वल माइनस के 4/3। ध्यान से देखिए दोनों के दोनों जो आंसर सेम आए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। देखिए सम ऑफ जीरोज भी दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा यहां पे 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां पे भी आप देख रहे होंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दे रखा है स्क्वायर रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा 1/3। अब इस थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है 1/3। ये चीज तो आपको रट गई होगी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है। इसके बाद यहां पे भी देखिए सम हम थोड़ी देर में कराएंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है अल्फा बीटा ये भी 1 दे रखा है। यहां देखिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ऐसे ही यहां देखिए अब देखिए भाई पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं, वो कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल निकाल के दिखाइए। इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। देखिए मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 ब्रैकेट के अंदर और इसकी भी वैल्यू आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। अब सॉल्व करना बस, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस। देखिए इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे और 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई में 1x माइनस, इसके नीचे भी 1 है। देखिए 1 हम ऐसे लगा सकते हैं, तो 1 की डिवाइड 4 से 4 आया, 4 बन जा 4 इक्वल 0, तो 4 की 0 से हो जाएगी तो ये बचेगा 0, तो 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0, यानी कि हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब ऐसे ही यहां पे देखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वर्ग स्क्वायर रूट 2x प्लस 1/3। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 1/3, इनके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे हम 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 की टेबल 3 तक, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे, ऐसे 1 की टेबल 3 तक 3 की मल्टीप्लाई इससे, और यहाँ पे आपका ओनली 1 आएगा क्योंकि 3 की डिवाइड 3 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो हमारा ये आंसर होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब हम यहां पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है भैया, और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 5, तो एक्स स्क्वायर ये वाला जो आंसर है हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये स्क्वायर रूट 5। इस तरह हमने तीनों पार्ट किए और तीनों पार्टों में सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, देन आफ्टर सॉल्व। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज दे रखे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 वैल्यू है और यहाँ पे भी 1 वैल्यू है, तो सोल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर सिंपल सा आ जाएगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू माइनस 1/4 एक्स और यहाँ पे 1/4, ब्रैकेट ऑफ करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स 1/4। देखिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे जीरो के इक्वल लिख के 4। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 की डिवाइड 4 से, तो 4 की मल्टीप्लाई से 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1x 4 से 4 1 की मल्टीप्लाई। आप देखिए ये 4 जो है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फा बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। ये हमारा जो है सिंपल सा क्वेश्चन है,
इस तरह हमने सॉल्व करने हैं और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। लेकिन मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कराना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल ही मान लो कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स वुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। कैसे हमें ये सोल्व करना है? देखिए, इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर बात की थी, उसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था, लेकिन यहां पे केवल जीरोज दे रखी है। क्या दे रखी है? जीरोज, 2 जीरोज दे रखी है, एक -3 है और एक 2 है। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब है -3 + 2 और आंसर हो गया हमारा -1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा -3 × 2 तो -6। अब हमें ये सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स x² - sum of zeros x or product of zeros x² - α + β क्या होता है -1x और ये हमारा -6। x² - −+1x + −- हो गया 6। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स आ गई है। इस तरह यदि आपको यदि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अलावा केवल जीरोज दे दी जाए तो किस तरह आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले उनका सम निकाल लेंगे, उसके बाद हम उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देन आफ्टर वी यूज फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² - α + β x + α β। देखिए, इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर चैप्टर नंबर 1 और इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 हमने डाल रखी है। जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखना चाहता है तो वो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और